ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो विच के बारे में देखूंगा, इसका यूज सही है कि गलती है। मैंने बोला कि विच का यूज जो होता है नॉन लिविंग के लिए होता है, ठीक है, तो इसके पहले जो नाउन रहना चाहिए नॉन लिविंग रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखेंगे बाबू तो बॉय जो है बाबू लिविंग है। क्या है बाबू? लिविंग है। अगर लिविंग है बाबू तो लिविंग के लिए विच का यूज होता है या हु का यूज होता है? हु का यूज होता है सबसे पहले। मैंने बोला कि जो आगे जो भी भाव आएगा ना तो वो आएगा अपने से निकट वाला के अनुसार, तो इसके निकट अगर मैं देखने की प्रयास करूँ तब बॉय है। अब बॉय हु है, बॉय में बॉय जो है बाबू यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर है कि प्लूरल है? आइडिया सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आर नहीं बल्कि क्या होगा? इज होगा, ठीक है, तो हो जाएगा द बॉय इज प्लेइंग। अच्छा बाबू माई ब्रदर, यहाँ पे भी आर वर्ब है तो इसको भी कोई ना कोई सब्जेक्ट चाहिए ना, तो अगर सब्जेक्ट देखने की प्रयास करें तो सेंटेंस में एक ही वो सब्जेक्ट है जो कि बॉय है, इसलिए यहाँ पे भी बॉय के अनुसार जो है बाबू आर नहीं बल्कि क्या होगा? इज होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई ब्रदर। गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? ओके, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आप इसमें बताना शुरू करो। इट वॉज हिम विच हैव अरेंज्ड द शो, बताओ मुझे। ओके ओके, चलो आपने बताया कि हिम जो है लिविंग है, क्या है? क्योंकि ही का यूज लिविंग के लिए करते हैं तो हिम भी लिविंग के लिए, तो अब विच का यूज जो होता है नॉन लिविंग के लिए, इसलिए बाबू यहाँ पे विच के जगह पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। और कोई गलती? मैं बताता हूँ, ध्यान देना। हु का यूज जो होता, सॉरी विच का यूज नॉन लिविंग के लिए होता है, लेकिन यहाँ पे जो हिम जो है वो लिविंग है। क्या है बाबू? लिविंग है। लिविंग है तो इसलिए यहाँ पे विच के जगह पे हुआ, हु का यूज लिविंग के लिए। लेकिन एक चीज बताओ, हैव वर्ब है ना, और वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए, और इसके पहले मैं देखने की प्रयास करूँ तो हिम जो है एक ऑब्जेक्ट है। क्या है बाबू? ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट बनाने के लिए हिम नहीं बल्कि क्या करना होगा? ही करना होगा। क्या करना होगा? ही करना होगा। और ही जो है बाबू सिंगुलर है, ही क्या है? सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे हैव के जगह पे क्या करना होगा माय डियर? हैज। क्या बाबू? हैज। तो हो जाएगा इट वाज ही, इट वाज ही है ना, हु हैज अरेंज्ड द शो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? से यस और नो? और बताया कि देखो हु का ही जो होता है ना वो लिविंग के लिए होता है, लिविंग के लिए, लेकिन मैंने देखा कि हु के पहले जो बुक्स आया हुआ है ना वो नॉन लिविंग है। क्या है बाबू? नॉन लिविंग है, बुक्स नॉन लिविंग है। अगर नॉन लिविंग है बाबू तो यहाँ पे सबसे पहली बात कि हु के जगह पे क्या आएगा? विच आएगा, क्योंकि विच का ही जो होता है ना नॉन लिविंग के लिए होता है, पहली बात। और दूसरी बात बाबू कि मैं देखूंगा कि सेंटेंस में जितने भी वर्ब है वो किसके अनुसार आए हैं, ठीक है ना, तो वर्ब जो आता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो इसके निकट जो सब्जेक्ट है ना बाबू वो बुक्स है, और बुक्स देखने में प्लूरल लग रहा है, प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे वज के जगह पे ना वर का यूज होगा। किसका यूज होगा? वर का। और यहाँ पे देखो बाबू ये भी, तो यहाँ अच्छा इसके पहले अगर सब्जेक्ट देखें तो इसके लिए भी वही सब्जेक्ट है बुक्स, इसलिए यहाँ पर भी ना बाबू वज के जगह पे क्या आएगा? जल्दी बोलिए, वर आएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा द बुक्स विच वर सोल्ड वर यूजलेस, वह बुक, क्योंकि बाबू यहाँ पे जो बुक्स है ना बाबू ये बुक प्लूरल है, अगर प्लूरल रहेगा तो बच के जगह पे बर प्लूरल होगा, यहाँ पे भी बच के जगह पे बर आएगा। ओके, समझ रही हो? ओके, अब इसको समझेंगे थोड़ा सा, अपना विच को हटाने की प्रयास करो और समझने की प्रयास करो। तो आपको ना बताता हूँ, हु का यूज होता है लिविंग के लिए, लेकिन देखना है कि हु के पहले वाला क्या है? फूल है ना, फ्लावर्स, फूल है ना, ये जो फूल है बाबू, फ्लावर्स का मतलब फूल होता है ना, ये जो फूल है बाबू वो नॉन लिविंग होते हैं, तो नॉन लिविंग के लिए हु का यूज नहीं बल्कि किसका यूज होगा? विच का। पहला बात डब्ल्यू एच आई सी एच, ओके ना, बोलो हाँ या ना। और दूसरी बात बाबू, मैं अगर देखूँ तो यू सी हेयर एक कम्प्लीट सेंटेंस है ना, बोलो हाँ या ना। हाँ, एक कम्प्लीट सेंटेंस है, तो जिससे कोई लेना देना नहीं है आप इसको हटा दो। और अगर देखने की प्रयास करें बाबू तो ईज यहाँ पे वर्ब है, तो इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा कि ये होगा। तो मैंने बोला कि जो सब्जेक्ट का जो वर्ब होता है ना वो जो होता है ना रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले, तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसके पहले फ्लावर्स जो कि प्लूरल है, एस एस लगने से फुल प्लूरल हो गया ना, ये प्लूरल नाउन है बाबू। कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है। अगर नाउन, सॉरी मैंने उल्टा नाउन लिख दिया है, अगर हमारा नाउन प्लूरल होगा तो वर्ब भी होगा, तो ईज हुआ कि आर होगा, आर होगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज ये बाबू कि यहाँ पे फ्रेश क्या नहीं है, फ्रेश फूल हो सकता है कि फ्रेश तुम हो सकती हो? फ्रेश फूल की बात हो रहा है ना बाबू, हाँ फूल की बात हो रहा है, इसीलिए फूल के अनुसार यहाँ पे जो वर्ब लगेगा इच के जगह पे आर लगेगा, ठीक है। बॉय विच वाज कॉल्ड,
वह लड़का जिसे बुलाया गया वाज अवार्डेड, क्या दिया गया उसे बोलो, अवार्ड दिया गया, मैंने जिस लड़का को बुलाया गया उसे अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो यहाँ मैं बताने मैंने बताया था कि भीच का जो नॉन लिविंग के लिए होता है, ठीक है। तो भीच के पहले देखो बॉयज है ना बाबू, बॉयज अगर देखो बाबू तो बॉयज जो है लिविंग है, अगर लिविंग है बाबू तो लिविंग में भीच के जगह पे किसका यूज होगा माई डियर बोलो, हुका। भीच के जगह पे किसका यूज होगा जल्दी बोलो, हुका, क्योंकि भीच के जगह पे किसका यूज होगा जल्दी बोलो, हुका, ठीक है ना। अब लिखाना बंद हो गया है आज, ठीक है। विच के जगह पे हु का, क्यों, क्योंकि हु का यूज जो होता है लिविंग के लिए होता है, ठीक है ना। और यहाँ पे बॉयज जो है लिविंग है इसलिए यहाँ पर हु आएगा ना कि विच आएगा। अगर कायजे से देखें बाबू तो बॉयज जो है बाबू वो प्लूरल है, बॉयज कैसा है बाबू, प्लूरल है, बॉयज कैसा है बाबू जल्दी बोलो, प्लूरल है। अगर प्लूरल है बाबू तो इसे यहाँ पे बॉयज नहीं बल्कि क्या आएगा जल्दी बोलो, वर आएगा, क्या आएगा जल्दी बोलिए, वर आएगा, पहली बात। और दूसरी बात बाबू यहाँ पे भी वच के जगह पे वर ही आएगा, क्या आएगा जल्दी बोलिए, वर आएगा। ओके, मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ।